नमस्ते, डूमिस म्यूज़िक कुकिंग एंड क्राफ्ट में आपका स्वागत है। दिवाली फंक्शन के लिए हमने अपने कम्युनिटी हॉल को डेकोरेट किया है, तो उसका वीडियो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए देख लेते हैं, हम छोटा सा अगर कम्युनिटी हॉल हो तो उसको कैसे डेकोरेट कर सकते हैं घरेलू तरीके से। सबसे फ्रंट वाला दीवार पर मैंने पहले एक येलो कलर का दुपट्टा एकदम ऊपर से नीचे तक लगा दिया है, और उसके ऊपर बीच में सेंटर में साड़ी को पकड़ लिया था और उसको सेंटर में टेप कर दिया है, और फिर थोड़ा सा बीच में से भी एक जगह पे टेप कर दिया और दोनों साइड में ऐसे दिए की तरह इसे लगा दिया है। और एक हैप्पी दिवाली का जो डोर हैंगिंग मैंने पहले बनाई थी, इसका वीडियो मेरा पहले से दिया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी। ये मैंने बीच में इसे यहाँ पर इसको भी टांग दिया है। साइड्स में थोड़ा सा दिया लगा दिया है, और ये जो है दुपट्टा को ऐसे एक साथ पहले ऊपर में तीनों को ऐसे हैंग कर दिया है और फिर थोड़ा सा ऐसे टेप कर दिया है, और दोनों साइड में दो दुपट्टा लगा दिया है। तो एक दुपट्टा ऐसे है दिए के जैसे शेप में बना दिया है, थोड़ा सा इसको प्लीट्स बना के और लगा दिया है, और दोनों साइड से कोने को लेके ऐसे दोनों जगह पे टेप कर दिया है, तो ये बिल्कुल दिए के शेप में बन गया है। साइड में मैंने मजेंटा कलर के दुपट्टा से ऐसे दिया जैसे बना दिया है। यह फ्रंट का डेकोरेशन, और ऊपर में कुछ कांदिल जो मार्केट वाले कांदिल्स हैं उसे लगाए हैं, और एकदम टॉप में छोटे छोटे जैसे कांदिल हैंग कर दिया है। हमने ये छोटा सा स्टेज है, तो स्टेज के ऊपर ये कुछ मैट बिछा दिया है, इसके आगे एक बड़ा सा दिया रख दिया है, और उसके नीचे थोड़ा सा रंगोली बना दिया है, और एक बड़ा सा फ्लावर पॉट में काफ़ी सारा फूल और कैंडल्स रख दिया है। यहाँ पर फ्रेश फ्लावर्स का यूज़ किया है। एंट्रेंस पे मैंने ऐसे डेकोरेशन किया है। एंट्रेंस के सामने वाला दीवार पे मैंने ऐसे डेकोरेट किया है। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो अभी से लाइक दीजिएगा, और मेरे वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ।